स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 4 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 29 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे तो आपको पता है सभी प्रश्न आपका अनिवार्य करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है कुछ धातुएँ अधि, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। कुछ धातुएं तो किसी से साथ अभिक्रिया भी नहीं करती। अब जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जले विलयन से विस्थापित कर सकती है, लेकिन जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जले विलयन से स्थापित करती है और इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, आप इसका आंसर करेंगे अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जले विलयन में से विस्थापित करती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। बी आपका है लोहे की कील को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन पर डालने पर होने वाले दबाव बदलाव का प्रेषण लिखिए। तो आप देखेंगे अगर लोहा हमारा जो है अधिक अभिक्रियाशील है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा रंग का, तो आप आंसर करेंगे लोहा अधिक अभिक्रियाशील है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तांबे से हरे रंग का फेरस सल्फेट बनेगा, तांबा अलग से निकल जाएगा तो Fe प्लस CuSO हो जाएगा SO4 हमारा हो जाएगा इक्वल में या बनेगा हमारा क्या Cu प्लस FeSO4। सी हमें लोहे जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है, क्या होगा यदि हम जिंक की पत्ती को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दें, तो आप इसका आंसर करेंगे जिंक लोहे कॉपर में से जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और ये दोनों उसके विलयन में विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसलिए जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर निकल जाएगा तो जेड यानी ZN यानी जिंक CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा हमारा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको दिया गया है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से धातुओं को तार में खींचा जा सकता है वो क्या कहलाता है, हमारी तन्यता कहलाती है। तो अब इसमें क्या करेंगे तन्यता करेंगे। धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, धातु आपको धातु का नाम बताना है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या होती है हमारी मरकरी होती है, तो आप इसमें मरकरी लिखेंगे। धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से धातुओं को चादर में बनाया जा सकता है, तो आप यहाँ से लाइन से आंसर करेंगे मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, तो पहला आपका धातु का वह गुण जिन्हें हम तारों में खींचा जा सकते हैं तन्यता, और धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो पारा, और धातुओं को हम पतली चादरों में खींच सकते हैं तो हमारी अधार्थ वर्धन्यता। फिर डी आपका कौन सा धातु जिसका अभिक्रियाशील है लोहा या जिंक, जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं, तो आपको पता है जो जिंक है वो हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे जस्ता, तो इसमें भी आपका जस्ता हो जाएगा। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो कौन सी धातु होती है वो हमारी सोडियम होती है, तो आप इसमें सोडियम कर लेंगे, तो ये आप ABCD आपके ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मिलाइए, तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। एसिटिक हमारा सिरका में होता है, एब्जॉर्बिक हमारा खट्टे फल में होता है, साइट्रिक अम्ल हमारा आंवले में होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में यूज़ होता है, तो ए हमारा 1st हमारा 5th में जाएगा, बी हमारा जाएगा इसमें 1st में, सी हमारा जाएगा 3rd में, और डी हमारा जाएगा इसमें 4th में, सॉरी डी हमारा जाएगा 2nd में, और ई हमारा जाएगा 4th में, तो आप इसमें मैच कर लेंगे अच्छे से। फिर है 4th क्वेश्चन का ए पार्ट, धातुओं की 2 भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए, तो 2 भौतिक और 1 रासायनिक गुण लिखना है, तो भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सूचालक होती हैं, धातुएं अधार्थ वर्णीय और तथा तन्यता होती हैं। रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, और धातुएं अम्ल से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अब 4th का बी पार्ट हम देखते हैं, कॉपर और कार्बन से किससे बिजली के तार बने में उपयोग किया जाता है, यानी हमारे जो घर में तार उपयोग किए जाते हैं वो कॉपर के बने होते हैं कार्बन के, और क्यों, कॉपर के बने होते तो क्यों और कार्बन के बने होते तो क्यों, तो आप इसका आंसर करेंगे
कॉपर को बिजली की तार बनाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि वह विद्युत की सुचालक और तन्य होती हैं। जो हमारी कॉपर है आपको पता है एक धातु है, और कार्बन क्या है एक आधातु। आधातु को हम तन्यता, आधातु हमारी जो विद्युत की कुचालक होती है और वो तन्यता भी नहीं होती, इसलिए हम कार्बन की तार नहीं बना सकते। और जो कॉपर है हमारी धातु है, तन्यता भी होती है, विद्युत की सुचालक भी होती है, इसलिए हम कॉपर की तार बना सकते हैं और वही हमारी बिजली की तारों में उपयोग की जाती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।